हाँ जी, तो हो गया इंग्लिश का एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दे आए हो। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया। बट अब हम इंग्लिश एग्जाम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो अब आपके कंट्रोल में है, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। तो अब हो सकता है आपका 9th मार्च को मैथ्स का पेपर हो, या फिर 12th मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, और मे बी सम अदर एग्जाम। तो दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर टू यू कि आप पार्किंसंस लॉ को समझें और उसे खुद पे अप्लाई ना होने दें। व्हाट इज पार्किंसंस लॉ? दैट द वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो आप कहोगे, मैम जितनी इंग्लिश आती थी ना वो तो सब पेपर में लिखा है, अब आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। सो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे सिर पर नहीं पड़ती है ना, तब तक हम पढ़ना शुरू नहीं करते। होता है ना आपके साथ, आप भी टाइम वेस्ट करते रहते हो जब इतने सारे दिन आपको मिल जाते हैं। तो अब अगर आपका सीधा 9th मार्च को मैथ्स का पेपर है, तो यू हैव अ लॉन्ग प्रेपरेटरी ऑफ, और आप सारा टाइम तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। इवन इफ मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, तो भी इतने सारे दिन तो आप सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। तो पहले से ही प्लान बना लो कि 2 दिन अकाउंट्स पढ़ना है, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 1 दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, या जैसे भी अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो। अगर आपका सीधा अब 12th मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो मोस्ट डेफिनेटली आप इतने सारे दिन सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ेंगे। पहले से ही प्लान आउट करो कि 3 दिन अकाउंट्स पढ़ना है, 3 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 3 दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो मोमेंटम आपका बना हुआ है ना अभी पढ़ाई में, उसको आपको मेंटेन रखना है। ये नहीं सोचना अब तो बहुत दिन है, अब तो बहुत छुट्टियां आराम से करेंगे, अब टेंशन फ्री हो जाते हैं। नहीं, अभी आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ये वो टाइम नहीं है, ठीक है? अब आप एग्जाम दे के आ गए हैं, हैव योर लंच, थोड़ा सो जाओ, फ्रेशन अप योर सेल्फ, और फिर प्लान करो कि आपको आगे के डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, एंड स्टिक टू दैट प्लान। फिर 12th मार्च को मैं आपके लिए लास्ट लैब स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी फॉर इकोनॉमिक्स, और उसके बाद अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज, और बहुत सारे और वीडियोज आपको मिलेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दोज स्ट्रैटेजीज, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी, ठीक है? और अगर आपकी ये दोनों एग्जाम है, तो डेफिनेटली फिर फिजिकल एजुकेशन भी आपको थोड़ा पहले ही पढ़ना होगा। अनदर थिंग इज कि अगर आप सीधा इकोनॉमिक्स अगर 12th मार्च को उठाओगे, तो इतने गैप के बाद वैसे भी आप थोड़ा लॉस्ट फील करोगे कि इतना टाइम हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं। तो आपने सीधा इस टाइम पे नहीं पिक करना, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए अभी से ही आपको इन पे वर्क करना है। अकॉर्डिंगली देखो कि मैथ्स को आपको कितने दिन देने होंगे, फिजिकल एजुकेशन को कितने दिन देने होंगे, ठीक है? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो अच्छे से पढ़ते जाओ, समझदारी से काम लो, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।